मॉर्निंग बच्चों, आज हम नेशनलिज्म यूरोप में जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली के बारे में पढ़ेंगे, और जो कि पेज नंबर 19 है। इससे पहले वाला टॉपिक जो है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830-48, वहाँ पर काफ़ी सारे इवेंट्स हुए, जैसे लाइक बॉर्बन डायनेस्टी को देर से क्या है, तो वो हम ऑलरेडी फ्रांस रिवॉल्यूशन वाला चैप्टर है उसमें हम पढ़ चुके हैं। सो इतना ज़्यादा हम उस पर ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, और इस वजह से ये चीज़ें ओमिटेड भी हैं MPBSC MPBSC के थ्रू। इन सारे जो टॉपिक हैं इन सबको ओमिट करते हैं, जिसमें ग्रीक वॉर है, बॉर्बन डायनेस्टी को डिथ्रोन करना हुआ, इस सारी चीज़ों को उसमें से ओमिट करवा दिया गया। ओके, आज हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ जर्मनी इटली। उसमें सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। एज यू नो, जर्मनी जो है 39 कन्फेडरेशन स्टेट्स में डिवाइडेड था। हम यूँ नहीं बोल सकते कि यूनाइटेड जर्मन्स थे, इनके रीजन्स अलग अलग बटे हुए थे, एक रीजन कहीं और है, दूसरा रीजन जर्मन स्पीकिंग पीपल्स का अलग है, तो ऐसा कुछ सिनेरियो था। पर लेकिन अब 1848 के बाद में नेशनलिज्म जो यूरोप है इनके एसोसिएशन की तरफ बढ़ने लगी, जो आसपास के जो डिफरेंट रीजन्स थे वहाँ तक ये बढ़ने लगा। वहाँ पर भी एक ही चीज़ थी, डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। ओके, ना उसके तो जर्मन और इटली भी एज इस मोमेंट में शामिल हुए, वहाँ के पीपल्स और एज ए यूनिफाइड नेशन स्टेट की तरह इमर्ज हुए। एज यू हैव सीन, नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन। अब नेशनलिस्ट फीलिंग सबसे ज़्यादा जो थी जर्मन पीपल्स, स्पेशली जैसे मिडिल क्लास जर्मन पीपल्स हैं उनके अंदर थी, हु इन 1848 ट्राइड टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन कन्फेडरेशन इनटू नेशन स्टेट गवर्न्ड बाय द इलेक्टेड पार्लियामेंट। सो दिस वर द पीपल्स, स्पेशली मिडिल क्लास पीपल, जो कि इन कन्फेडरेशन 39 जर्मन कन्फेडरेशन स्टेट्स को एक यूनिफाइड जर्मन लाने की कोशिश कर रहे थे एज ए नेशन, जिसको गवर्न किया जाए बाय इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द लिबरल इनिशिएटिव टू द नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्लेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड द मिलिट्री सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रशिया। अब इस लिबरल इनिशिएटिव जो नेशनल बिल्डिंग को, इसको सप्रेस किया गया बाय द मोनार्की, देयर आर्मीज एंड द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रशिया, जो प्रशियन कंट्री थी या देश था, उनके द्वारा इन सब चीज को सप्रेस किया गया। फ्रॉम देन ऑन प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। उसके बाद से प्रशिया ने उस पूरे मूवमेंट को टेक ओवर कर लिया, और उन्होंने कहा कि अब हम जर्मनी या फिर जर्मन को एज ए नेशनल यूनिफिकेशन करने में हेल्प करेंगे। उनके चीफ जो थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, वो पूरे आर्किटेक्ट थे इस पूरे प्रोसेस के। ऐसे 3 वॉर्स लड़े गए 7 सालों में, जिसमें डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, फ्रांस के साथ युद्ध किया गया, और जिसमें विक्ट्री जो थी प्रशिया को मिली गई मिली एंड जो कंप्लीट प्रोसेस है यूनिफिकेशन की वो कंप्लीट की गई ऑफ जर्मनी। इन जनवरी 1871 द प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट वॉज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्सायल्स। अब इस पूरी सेरेमनी जो है 1871 में जनवरी में की गई, प्रशियन किंग विलियम फर्स्ट को जर्मन पूरे एम्परर का या जर्मन रीजन का या जर्मन नेशन का राजा घोषित किया गया वर्सायल में। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, हिस्टोरिक प्लेस है इन यूरोपियन हिस्ट्री में। ओके, ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 18th of January 1871 एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द आर्मी, इंपॉर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑटो वॉन बिस्मार्क, गैदर्ड इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स इन द प्लेस ऑफ वर्सायल्स टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाय कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रशिया। अब ये पूरी सेरेमनी के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन किया है। बहुत ही कोल्ड मॉर्निंग थी 18th of January 1871 में, बहुत ज़्यादा कोल्ड मॉर्निंग थी। ओके, असेंबली में कंप्राइसेस द प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट, प्रिंस थे जर्मन स्टेट्स के, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्मी ऑफिशियल, इंपॉर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑटो वॉन बिस्मार्क, और जो जिस जगह पे गैदर हुए थे वो था हॉल ऑफ मिरर्स, और जो महल था वो था वर्सायल का पैलेस। ओके, और वहाँ पर उन्होंने प्रोक्लेम किया न्यू जर्मन को, जो कैसर विलियम फर्स्ट है प्रशिया के, और जर्मन का राजा उन्हें घोषित किया गया। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मन हैड डेमोंस्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रशियन स्टेट पावर। अब जो नेशन बिल्डिंग हुआ, जर्मन जो नेशन बिल्डिंग हुआ, कहीं ना कहीं उसमें प्रशिया का पावर दिखा। ओके, कि वो कितने पावरफुल है, कितना डोमिनेटेड है। द न्यू स्टेट प्लेस्ड ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम
इन जर्मनी। अब जो न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या न्यू स्टेट जो बना उसमें एम्फेसिस कहाँ पे डाला गया कि करेंसी को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, बैंकिंग सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए। प्रशियन मेजर्स एंड प्रैक्टिस ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। और जो प्रशियन मॉडल था कि किस तरीके से गवर्नमेंट चलनी चाहिए, जो सारे उनके मॉडल नीति थी, वो सारी चीज़ें पूरे रेस्ट ऑफ द जर्मनी में इम्प्लीमेंट की गई। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द इटली यूनिफाइड। ओके, इटली को यूनिफाई कैसे किया गया। ओके, आपको पेज नंबर 20 में फिगर 12 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी दिखाया गया है। आपको आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर आप प्रशिया के एम्पायर को देखेंगे तो काफ़ी एक बड़ा एम्पायर है प्रशिया, जिसमें आपको बड़े बड़े प्लेसेस दिखेंगे, काफ़ी बड़ा एक एरिया दिखेगा। ओके, अब अगर आप देखेंगे कि जो एरियाज हैं, ये ग्रीन कलर एरियाज हैं, ये जर्मन एरियाज हैं। ओके, ये जो ग्रीन कलर के एरियाज हैं, ये जर्मन एरियाज हैं, जो कब अलग अलग डिवाइडेड है। तो ये सारे युद्ध लड़ के इनको एक कॉमन लैंड करके इनको जर्मन नेशन बनाया है। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द इटली यूनिफाइड। इटली का भी यूनिफिकेशन हुआ, उससे भी एक नेशन की तरह जगह मिली। लाइक जर्मनी, इटली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इटली वर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट एज वेल एज द मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। अब जो इटली जो था वो भी बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइडेड था। ओके, और बहुत ही और स्कैटर्ड था, बहुत ज़्यादा इसके अलग अलग टुकड़े हुए हुए थे, स्कैटर्ड थे, और काफ़ी सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स में ये बटा हुआ था, और एज ए मल्टी नेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर के तौर पर जाना जाता था इन एरियाज को। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट। एक समय ऐसा था इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, इटली जो था वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, ऑफ विच ओनली वन सार्दिनिया पाइडमंट वॉज रूल्ड बाई एन इटालियन प्रिंसली हाउस की। और उसमें से एक जो एरिया था सार्दिनिया पाइडमंट, वो एरिया ही केवल एक इटली के वंशज द्वारा रूल किया जा रहा था, इटली के प्रिंसली हाउसेज द्वारा। अदरवाइज जो बाकी सारे जो जगह प्लेसेस थे इटली के, जो 6 अदर स्टेट्स थे, वहाँ पे कोई दूसरी डायनेस्टी के पीपल रूल कर रहे थे। जैसे लाइक जैसे नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग डायनेस्टी के पीपल रूल कर रहे थे, सेंटर वॉज रूल्ड बाय द पोप, एंड द साउदर्न रीजन वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैज नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म। और इनफैक्ट जो इटालियन जो लैंग्वेज है, इंटरनल पीपल की लैंग्वेज थी, वो कॉमन फॉर्म कभी पकड़ ही नहीं पाई। इनफैक्ट आज भी मैन्यू रीजन में उसके बहुत सारे लोकल वेरियंट्स आपको दिख जाएंगे इटालियन लैंग्वेजेस के, बिकॉज ऑफ दिस स्कैटर्ड जो, या फिर हम बोल सकते हैं जो फ्रेगमेंटेशन ऑफ इटली होने के लिए ड्यू टू द डिफरेंट रीजन्स। ड्यूरिंग द 1830s गिसिपी मज़िनी हैड सॉट टू पुट टुगेदर ए कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। अब गिसिपी मज़िनी वही पर्सन थे जो कि इटली को एज यूनिफाइड वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवॉल्यूशनरीज इन द हिस्ट्री ऑफ इटालियन। ओके, उनका ही सपना था कि एक यूनिटी इटली को एज यूनिफाइड यूनिफिकेशन किया जाए, उसके साथ साथ एज ए रिपब्लिक इटालियन रिपब्लिक नेशन के तौर पे उनका एक विजन था कि इटली को ऐसा देखना चाहते थे। ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्म किया विच वॉज नोन एज यंग इटली फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल, ताकि वो अपने गोल को फुलफिल कर पाए। द फेलियर ऑफ द रिवोल्यूशनरीज अपस्ट्रीम बोथ इन 1831 एंड 1848 मैन दैट द मेंटल नाउ फेल ऑन सार्दिनिया प्रिनर अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर इनामल सेकंड। पर लेकिन जो उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी से रिवॉल्यूशन किए गए थे 1831 एंड 1814, दोनों के दोनों फेल हुए थे। तो उसका सारा जो भार बोझ था पूरे इस रिवॉल्यूशन का कि इटली को यूनिफाई किया जाए या यूनिफिकेशन किया जाए, पूरा एक कंट्री बनाया जाए, एक नेशन बनाया जाए, उसका सारा दारोमदार जो था वो सार्दिनिया प्रीडोमिनेंट जो स्टेट के जो एम्पायर थे किंग विक्टर इनामल सेकंड उनके ऊपर आया। बिकॉज ही वॉज द ओनली डायनेस्टी और ही वॉज द ओनली इटालियन डायनेस्टी जो कि उस पोर्शन को रूल कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं सारा दारोमदार उनके ऊपर आया टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर। और ऑब्वियसली बात है, वॉर के थ्रू ही आप कर सकते हैं इटली को यूनिफाई कर सकते हैं, बिकॉज ऑल अदर वेयर, और ऑब्वियसली बात है कोई अदर जो नेशन है जो अलग अलग रीजन्स में बैठे हुए, वो अपने नेशन क्यों देंगे। तो ऑब्वियसली बात है सारा दारोमदार किंग विक्टर इनामल सेकंड के ऊपर आया कि वो वॉर के थ्रू इटली को यूनिफिकेशन किया जाए। इन द आइज ऑफ द रूलिंग एलाइट्स ऑफ दिस रीजन यूनिफाइड इटली ऑफ
offer them the possibility of economic development and political dominance. Chief Minister Cavour, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat. Like many other wealthy and educated members of Italian elite, he spoke French much better than he did in Italian. इस दौरान क्या हुआ कि जो चीफ मिनिस्टर थे कैल्वर, वो उन्होंने एक मोमेंट लेड किया कि ताकि इटली को यूनिफाई किया जाए. ऑल दो ही वॉज नेदर रिवोल्यूशनरी ना ही वो डेमोक्रेट थे, पर लेकिन वो अदर वेल्दी और एजुकेटेड मिनिस्टर्स में से एक थे और वो फ्रेंच बहुत अच्छा बोलते थे रादर देन इटैलियन. Though a tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour, Sardinian freedom and succeeded in defeating the Austrian forces in 1859. इन्होंने एक tactical move किया. इन्होंने क्या करा, Sardinian freedom में जो राजा थे उनके chief minister Cavour, उनकी help से इन्होंने France को साथ हाथ मिलाया और उन्होंने Austria को हराया in 1859. Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray. अब इस दौरान एक ट्रूप सेना की टुकड़ी जो थी, लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स, बेसिकली वॉलंटियर्स हम बोल सकते हैं, अंडर द लीडरशिप ऑफ गुसिपी गैरिबाल्डी, उन्होंने भी इस मोमेंट में उनके साथ दिया. एंड इन 1816 दे मार्च इनटू द साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू स्लाइसेस एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स. अब इन्होंने वहां से फिर साउथ ऑफ इटली की तरफ अपना कारवा बढ़ाया और वहां से वो किंगडम ऑफ टू स्लाइसेस के में घुसे और वहां पे उन्होंने मार्च अप किया और वहां की सेना को हराया और वहां से पूरी तरह से स्पेनिश रूलर्स को डीथ्रोन कर दिया. इन 1861 विक्टर इनामल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली. और 1861 में यूनाइटेड इटली के जो राजा थे एज अ विक्टर इनामल सेकंड को प्रोक्लेम किया गया. हाउएवर मच ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन अमंग होम रेट्स ऑफ इलिटरेसी वर हाई, बट लेकिन इटालियन पॉपुलेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहां के जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा इलिटरेट थी. ओके, रिमेन डिसप्ल्यूली अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, और उनको किसी चीज के बारे में पता ही नहीं था कि लिबरल नेशनल आइडियोलॉजी होती क्या. द पीजन मासेस हू सपोर्टेड गैरिबाल्डी इन सदर्न इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया. जो पीजेंट्स जिन्होंने गैरिबाल्डी कैसे ट्रूप्स में शामिल हुए थे एज ए वॉलंटियर, उनको पता ही नहीं था, उन्होंने कभी ये शब्द सुना ही नहीं था इटालिया. उन्होंने तो ये बिलीव किया ला इटालिया वॉज विक्टर इनामल्स वाइफ, उनको ऐसा लगता था कि ला इटालिया जो थे वो जो विक्टर इनामल्स की वाइफ है, मतलब दे इवन डोंट नो अबाउट देयर इटालियन लैंग्वेज, स्पेशली जो इटालियन पॉपुलेशन थी. तो आप समझ सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो थे ऑल दो वो इटालियन रीजन्स में रह रहे थे, पर लेकिन उनको इटैली जो इटालियन लैंग्वेज है वो बोलना ही नहीं आती थी. दैट वॉज द मेजर प्रॉब्लम. ओके, देन कम द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन. ओके, ब्रिटेन आप सभी जानते हैं वन ऑफ द मोस्ट हम बोल सकते हैं पावरफुल नेशंस में से एक था. द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव अर्ज्ड इन ग्रेट ब्रिटेन. इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट was not the result of sudden upheaval or a revolution. It was the result of a long drawn out process. अब ब्रिटेन में भी कुछ चेंजेस आए. अब वो क्या आए इसके बारे में हम जानते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सडन अपील या रिवॉल्यूशन हुआ, काफ़ी एक लंबी प्रोसेस रही वहाँ पर भी. देर वॉज नो ब्रिटेन नेशन प्रायर टू द 18th century. 18th century से पहले कोई ब्रिटेन नेशन नहीं हुआ करता. उनकी जो प्राइमरी आइडेंटिटी थी वो बेसिकली इन बेसिस पे होती थी, या तो वो दे आर ब्रिटिशर्स, आइदर दे आर आयरिश, ओके, आइदर दे आर स्कॉटिश और आइदर दे आर वेल्स. ओके, इन एथनिक ग्रुप्स में जो पूरा ब्रिटेन नेशन था वो पूरा डिवाइडेड. ओके, ऑल ऑफ दिस एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर. इन सब एथनिक ग्रुप्स के अपने खुद के कल्चर्स होते थे, अपनी अलग वेल्थ होती थी, अपने अपने अलग इम्पोर्टेंस, और दे खुद और उनके पास खुद के अपने पावर्स अलग थे. इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द नेशन ऑफ द आइलैंड, एंड इसी के थ्रू जो आसपास के जो आइलैंड नेशंस थे उन पर वो लोग अपना डोमिनेंस दिखाते थे. एज यू नो ब्रिटेन ने हमेशा से ही यू नो दूसरे नेशंस को अपने अंडर एज अ कॉलोनी की तरह रूल किया है, तो आप अवेयर हैं. बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू अप इन वेल्थ इंपॉर्टेंस एंड पावर, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशंस ऑफ द आइलैंड. बट लेकिन एक समय ऐसा आया कि जो इंग्लैंड का जो बेसिकली इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है, इंग्लिश नेशन है, उस
को बहुत ज्यादा यू नो वेल्थ होना स्टार्ट होगी, पावर ज्यादा पावर आना स्टार्ट होगी, इंपॉर्टेंस मिलना स्टार्ट होगा। रीजन ये था कि वो डिफरेंट कॉलोनीज बनाते, जैसे लाइक ईस्ट इंडिया कंपनीज बनाते थे वो लोग, जैसे हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई अदर नेशन में, वहाँ पे उन्होंने अपनी कंपनीज बनाई, तो ऐसे इंग्लिश नेशन बहुत ज्यादा उनमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई और अपना इन्फ्लुएंस वो अदर आइलैंड्स पे बढ़ाने लग गए। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच साइज पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ पोर्ट्रेट कॉन्फ्लिक्ट वॉज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच ए नेशन स्टेट विच इंग्लैंड एज ए सेंटर केम टू बी फॉर्म्ड। अब इंग्लिश पार्लियामेंट ने जो पूरा पृथ्वी से पावर को साइज किया और वहाँ पे इंग्लैंड जो है सेंटर बना पूरे पावर का पूरे होंगे इंग्लिश पार्लियामेंट में, और वहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द मेंबर जो थे वो इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे या फिर इंग्लिश एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। द एक्ट ऑफ द यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉट दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन, इसी दौरान एक्ट बना जिसमें इंग्लैंड जो थे वो पावर थे सेंटर के और जिससे कि ग्रेट ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड किंगडम फॉर्म हुआ, और ये जो एक्ट बना था इट वॉज बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। इन इफैक्ट दैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, और इस एक्ट के तहत अब जो है इंग्लैंड के जो जो देश है वो स्कॉटलैंड के ऊपर भी डोमिनेंस कर सकता, अपने ऊपर पावर इन्फ्लुएंस वो कर सकता। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हैंस फॉर डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश मेंबर, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थे उसमें जो डोमिनेंस था इंग्लिश मेंबर्स का ज्यादा था। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट दैट द स्कॉटलैंड डिस्ट्रिक्टिव कल्चर्स एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर सिमेट्रिकली सस्प्रेड। अब सिंस पार्लियामेंट में इंग्लैंड का या फिर इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी का बोलबाला ज़्यादा होने लगा, डोमिनेशन ज़्यादा होना, तो उन्होंने स्कॉटिश पीपल्स को सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, उनके कल्चर को सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। द कैथलिक क्लेम्स दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर टेरिबल रिप्रेशन, तो कैथलिक क्लेम्स जो कि स्कॉटिश हाईलैंड में रह रहे थे उनको काफ़ी सारा सप्रेशन झेलना पड़ा। ओके when they attempted to reassert their independence the scottish highlanders were forbidden to speak their gaelic language, iske sath sath jab unhone independence ke liye awaz uthayi to usko bhi suppress kar diya gaya। in fact jo unki local language jo mother tongue thi jo gaelic language scottish people bolte the usko to bolne ke liye unhone forbidden karna start kar diya english ya fir england इंग्लिश कम्युनिटी के पीपल से अपने हम इंग्लैंड कंट्री को बोल सकते हैं, और यहाँ तक इनकी नेशनल ड्रेस सब चीज़ों पर उनको फॉरबिडन लाना बंद कर दिया, मतलब कि दे इवन कांट वियर देयर नेशनल ड्रेस एज वेल। इसके साथ साथ आयरलैंड, अब ये इसकी तो हमने बात करी स्कॉटिश पीपल की, स्कॉटलैंड की, आयरिश पीपल ने भी सेम चीज़ें सफ़र करी, उन्होंने भी सिमिलर चीज़ें सफ़र करना पड़ी। उनके जो कंट्रीज में कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स बेसिकली डिवाइडेड, हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ चुके हैं। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश द डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथलिक कंट्री, और इंग्लिश पीपल्स ने प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया ताकि आप कैथलिक जो कैथलिक कम्युनिटी है उनके ऊपर डोमिनेंस करें, ओके, और उनका प्रोटेस्टेंट्स को आयरलैंड में डोमिनेंस करने में काफ़ी हेल्प की, उनका साथ दिया। कैथलिक रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस और सप्रेस, जो कैथलिक ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स तो वो भी उसको भी सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। आफ्टर फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय द वोल्फ डॉन एंड यूनाइटेड आयरिश मैन 1798 आयरलैंड वॉज फोर्सफुली इनकॉर्पोरेटेड इन टू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। जो यूनाइटेड किंगडम एज ए नेशन बना उसमें सिंस आयरिश कम्युनिटी के रिवॉल्यूशन फेल हुए और जो रिवॉल्यूशन जो लेड किया था वॉल्फटोन ने और उसके यूनाइटेड आयरिश मैन ने, वो 1798 में उसको पूरी तरीके से फोर्सफुली, मतलब यूनाइटेड किंगडम ने फोर्सफुली उसको पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया, एंड एज अ रिजल्ट आयरलैंड को भी यूनाइटेड किंगडम के अंदर में इनकॉर्पोरेट कर लेगा, अपने अंडर में रह लिया, मतलब कि आयरलैंड जो है इंडिपेंडेंटली खुद के डिसीजन ले सकता है, वो उनके इंटरनल मैटर्स में ग्रेट ब्रिटेन दखल दे सकता है, एक सोवरेन कंट्री नहीं है, आज भी नहीं है। ओके, ए न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्स थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर, एक नया ब्रिटिश नेशन बनाया गया जिसमें डोमिनेंट जो है इंग्लिश कल्चर का ज्यादा रहा गया। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटिश, जब ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक, एक सिंबल एज ऑफ न्यू ब्रिटेन का सिंबल क्या था, जब उनका ब्रिटिश फ्लैग है यूनियन जैक का, नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग ये एज ए नेशनल एंथम रहा, इंग्लिश लैंग्वेज को एक्टिवली प्रमोट किया गया और ओल्डर नेशन जो उनके सबऑर्डिनेट पार्टनर्स थे उन सबको अपने यूनियन में लिया गया, वहाँ पर इंग्लिश को इम्पोज किया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट विजुअलाइजिंग द नेशन, इसमें बेसिकली जैसे लाइक हमारे देश में एज ए नेशन जब देशभक्ति की बात आई तो कौन कौन सी चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा प्रेरित करती थी, तो फोक सॉन्ग्स हुआ करते थे,
हमारा फ्लैग हुआ करता था, भारत माता की पोर्ट्रेट होती थी। तो यूरोपियन कंट्रीज में कि ये सारी चीज़ें कौन सी होती थी एज ए नेशन, नेशनल फीलिंग को लाने में क्या चीज़ें विजुलाइज करते थे, तो द पीपल यूज टू हैव द नेशनलिस्ट फीलिंग। जैसे लाइक हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा लिबर्टी, जो हमने फर्स्ट टॉपिक डे पढ़ा था लिबर्टी, तो वो कहीं ना कहीं एज ए नेशनलिस्ट फीलिंग लाने में एज ए हम ये बोल सकते हैं एज ए एक ऐसा पोर्ट्रेट जिससे कि सभी पीपल जो है जिनके अंदर नेशनल फीलिंग आ सकती है। तो यही सारी चीज़ें हम इस अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, विजुअलाइजिंग द नेशन। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।